टेबल नहीं हो रहा है, कुछ भी टेबल नहीं है। ये वापस दे दो, परंपरा ही गलत है सर। ये अलाउड नहीं किया मैंने, ये दिन को वापस दो इनको। माननीय सभापति महोदय, जीसस क्राइस्ट ने चिकित्सक के लिए कहा है, ले जाएंगे अपने आप ले जाएंगे यार। डॉक्टर इज ए हाफ गॉड हाफ पैगन, लेकिन मेरी प्रार्थना है आधुनिक डॉक्टरों से भी कि वो जो जीसस क्राइस्ट ने कहा था उनके नियमों पर चले। माननीय सभापति महोदय, नोस्ट्राडम फ्रांस के भविष्यवक्ता थे, उन्होंने आज से हजारों साल पहले कहा था कि देयर विल बी थर्ड वर्ल्ड वॉर। द थर्ड वर्ल्ड वॉर मे बी ए न्यूक्लियर वॉर, मे बी ए बैक्टीरियल वॉर, और मे बी ए वायरल वॉर। लोगों को अच्छी तरह से याद है हिरोशिमा और नागासाकी पे जब अमेरिका ने 45 में परमाणु बम गिराया, लाखों लोग हलाक हो गए। लेकिन जो वुहान से कोरोना बम आया, परमाणु बम ने तो 2 शहर तबाह किए थे जापान के, लेकिन वुहान से आए हुए बम ने पूरी दुनिया को तबाही के कगार पे लाके खड़ा कर दी। हर 100 साल बाद सभापति महोदय ये परिस्थितियां पैदा होती हैं दुनिया में। स्पेनिश फ्लू आया था 100 साल पहले, करोड़ों लोग मर गए थे, 5 करोड़ लोग मरे थे स्पेनिश फ्लू में, 5 करोड़। उस वक्त 100 साल पहले क्या आबादी होगी। और आज जो वर्तमान में वुहान से जो बम शुरू हुआ, कोरोना बम, उसके आफ्टर इफेक्ट अब तक हैं। जैसे कि जापान में अब तक न्यूक्लियर जो उन पर अटैक हुआ था, उनके अब तक जनरेशंस भुगत रही। और मैं नहीं जानता, बींग ए डॉक्टर मैं कह सकता हूं कि इसका कितने लोगों को भुगतना पड़ेगा। इस एक बार कोरोना होते हुए पिंड नहीं छूटता सभापति महोदय, आपका लंग्स खराब हो सकते हैं, आपका किडनी खराब हो सकता है, आपको कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। ऐसे में हॉस्पिटल का चपरासी बैठे बैठे चेयर पे गिर गया, सडन कार्डियक अरेस्ट। मैं धन्यवाद दूंगा। और नोस्ट्राडम ने आगे कहा था कि जब वर्ल्ड में वॉर होगी, द मैन इन सेंट्रल एशिया विद ब्लू टर्बन विल अपियर एंड ही विल स्प्रेड पीस इन द वर्ल्ड। मैं समझता हूं विश्व की तो बात नहीं जानता, लेकिन राजस्थान में ए मैन विद व्हाइट कुर्ता एंड ब्लैक जैकेट हैज सर्व लाइक ए पैगन। माननीय अशोक गहलोत ने जिस तरह से कोरोना मैनेजमेंट किया, ऑफ कोर्स हमारे मंत्री बैठे हैं रघु शर्मा जी, He played a great role being the lieutenant। कोरोना ने कितनी तबाही की दुनिया के अंदर, We lost over 4 legislatives। माननीय बमलाल जी मेघवाल, माननीय हमारे कैलाश त्रिवेदी जी, माननीय हमारे गजेंद्र सिंह जी शक्तावत, माननीय किरण महेश्वरी जी, वी लॉस्ट देम। अब तक भी विश्वास नहीं होता, जैसे ये सामने किरण महेश्वरी बैठी है, पीछे मेरे मामा त्रिवेदी बैठे, माई मदर इज फ्रॉम द विलेज ऑफ कैलाश त्रिवेदी, ये विश्वास नहीं होता। संभवतः है राजेंद्र जी बहुत सीनियर, कटारिया साहब बहुत सीनियर बैठे हाउस के, 70 साल के हमारे डेमोक्रेसी में, एक साथ 4 साथी हमें छोड़ के चले गए हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनकी चिरस्थायी याद को रखने के लिए उन्होंने गर्ल्स कॉलेज खोले और उन्हें उनका नामकरण कर। विस्तार से तो माननीय मंत्री बताएंगे कोरोना के लिए, लेकिन राजस्थान में 20 लाख वैक्सीनेशन हुआ, 50,000 आप जांचें कर रहे हैं। आपने विधायकों के लिए स्पेशल फैसिलिटी दी कि
स्वयं आपने और मैंने भी, मैं समझता हूँ आप सबको लगाना चाहिए। ये जो फोबिया फैला रखा है कि वैक्सीनेशन के अंदर ये प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम तो नहीं होगी लेकिन अगर कुछ हो गया तो वाकई प्रॉब्लम हो जाएगी, ये संदेह अपना सारा निकाल के और उसमें हमें जो करना चाहिए, जो कि जिस तरह से वैक्सीनेशन की बात हुई है और राजस्थान मॉडल पूरे वर्ल्ड में, मेरे दामाद डिप्टी एम्बेसडर है यूएसए ह्यूस्टन में, राजस्थान मॉडल वाज डिस्कस देयर, 5 लाख लोग इंडियंस हैं ह्यूस्टन के अंदर, सबसे कम कोरोना रेट ह्यूस्टन में रही क्योंकि उन्होंने आइसोलेशन शुरू कर दिया था। मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी की इसलिए पढ़ाई नहीं करा कि वो मुख्यमंत्री है राजस्थान गवर्नमेंट के, लेकिन उनके एक शायर ने कहा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अशोक गहलोत जिनके दिल में दर्द था और उन्होंने, मैं धन्यवाद दूंगा सभी विधायकों से, उन्होंने 1-1 करोड़ रुपया कोरोना कोष में प्रतिवर्ष दे रहे हैं, ये जनता की हमको आवश्यकता है। महोदय मैं शुरू करता हूं एसएमएस हॉस्पिटल से, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा और कंट्री में सबसे बड़ा सभापति महोदय आउटडोर एसएमएस मेडिकल कॉलेज का है, हॉस्पिटल का 10,000 प्रतिदिन पेशेंट आते हैं, 50,000 एट ए टाइम, पूरा एक कस्बा रहता है उस पूरे एरिए में, 30 लाख लोग प्रतिवर्ष ट्रीट होते हैं, जिसमें 8% मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सब स्टेट्स के पेशेंट्स आते हैं, ये रेपुटेशन किए। इस समय जो लीजेंडरी डॉक्टर्स थे हमारे, दयानोमो डॉक्टर, हमारे डॉक्टर नारायणन, ईएनटी की अथॉरिटी थी, डॉक्टर पीके सेठी जिनको मैग से अवार्ड मिला, जिन्हें रबर फुट बनाया, मुझे सौभाग्य मिला, मैं उनकी टीम में था, ऑर्थोपेडिक्स की टीम में, और जो दुनिया में आज सब जगह रबर फुट आता है, इन अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में रबर फुट नहीं था, स्टील के पांव होते थे उनके, डॉक्टर हेलिक, डॉक्टर गिरधारी शर्मा, डॉक्टर बीके गोयल जो शेरिफ रहे बॉम्बे के, और प्रेजेंट में एसएमएस हॉस्पिटल की महोदय जो एंडोक्राइन लैब है वो राजस्थान नहीं, भारत की सर्वश्रेष्ठ लेबोरेटरी में, धन्यवाद दूंगा मंत्री जी आप, वो रिसर्च कर रहे हैं डायबिटीज, अगर हम सब लोग बैठे हैं उसके 200 मेंबर, 6.5% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, डायबिटीज इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, खान पान के माध्यम से और सारी सुविधाएं करके एसएमएस में जो आज डेवलप हुआ एंडोक्राइन लैब, छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज हो रही है महोदय, खान पान का व्यवहार बदलना पड़ेगा, और एसएमएस की अपने आप में बहुत बड़ी रेपुटेशन है, जिस तरह से इन्होंने पूरे कंट्री के अंदर अपना स्थान बना रखा है। आज यूएसए और यूके में माननीय लेट चीफ मिनिस्टर बैरन सिंह जी शेखावत साहब, उनकी बड़ी मेहरबानी थी, वो बाईपास करा के आए तो मैं गया मिलने के लिए, पिताजी से गहन संबंध रहे थे उनके, मैंने कहा सर कैसा रहा आपका, बोले भाई डॉक्टर साहब मैं जब वहाँ गया एनेस्थीसिया की टीम आई तो मुझे कुछ जाने पहचाने से नजर आए चेहरे, मैंने कहा आप कहाँ के हो, कि साहब जयपुर के हैं, डॉक्टर डेंटन कुली जो विश्व के माने हुए हार्ट स्पेशलिस्ट थे, प्रोबेबली ही ऑपरेटेड हिम 1993 में, मैं तीसरी बार हाउस में आया था, माननीय परशुराम जी मदेना साहब उस समय लेट हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर साहब आप बोलिए डॉक्टर हैं, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को कि 93 में मेरे बहुत से साथी आते थे
महोदय उस समय सारे डिपार्टमेंट बात तो करते हैं कि एसएमएस हॉस्पिटल को एम्स बना दो। अरे एम्स कहाँ से बना दो, मेडिसिन डिपार्टमेंट में हार्ट कार्डियोलॉजी भी घुस रहा था, न्यूरोलॉजी भी घुस रहा था, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी भी घुस रहा था। मैं उस समय हाउस में बोला और मैंने शुरुआत करी 1993 में। माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने डेवलप किया बहुत अच्छा। इमरजेंसी की हालत ठीक नहीं थी उस समय। मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने बीइंग ए डॉक्टर एंड लेजिस्लेटिव वन ऑफ योर कलीग कि आपने शुरुआत करी। और जब कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट अलग हुआ, सीसीआई यूनिट अलग हुई, न्यूरोलॉजी कार्डियो न्यूरो सेंटर बनाया एसएमएस हॉस्पिटल का जो आज बांगड़ कहलाता है। डॉक्टर डेंटन कुली ने विश्व में सबसे ज़्यादा कार्डियोथोरेसिक ऑपरेशंस किए हैं और आज अकेले एसएमएस हॉस्पिटल में कई गुना ज़्यादा हमारे जो टीम है डॉक्टर्स की उन्होंने कर दी। कार्डियोलॉजी में उन्होंने एंजियोप्लास्टीज कर दी। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर करण सिंह यादव को, जनरल डॉक्टर त्रेहिन को बुलाया, त्रेहिन को बुला के यहाँ रखा उनका। हमारे पास पैसा नहीं है देने को, हम आपकी टीम को बुला लेते हैं, हमारे डॉक्टर्स को ट्रेन करिए। डॉक्टर करण सिंह यादव ने यहाँ स्टार्ट किया बाईपास सर्जरी स्टार्ट। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, उन्होंने पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था वर्ल्ड में और वो हार्ट प्लांट 3 दिन रुको जिया था, सिर्फ 3 दिन। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारे एसएमएस हॉस्पिटल के कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स को और हमारे एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर को, उनके द्वारा बाईपास सर्जरी जो हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन किए गए हैं वो अभी तक जिंदा। निश्चित रूप से दिस इज द कैलिबर ऑफ अवर डॉक्टर्स। माननीय सभापति महोदय, कैंसर सबसे खतरनाक का हार्ट सबसे ज्यादा खतरनाक जो जिंदगी लेता है, जिसके बारे में मैंने बताया कि आज बहुत अच्छी स्टेज में एसएमएस। देन नेक्स्ट इज कैंसर। कैंसर में सभापति महोदय मेरी राय है मंत्री महोदय से कि राज पूरा हेफेजॉर्ड हो रहा है। कैंसर सबसे ज्यादा हमारे ब्लड कैंसर, देन सेकंड नंबर पे आता है प्रोस्टेट कैंसर। तो ये आपने अलग से भवन बना दिया है यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर और सारा कैंसर का हेफेजॉर्ड। इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि एसएमएस हॉस्पिटल के विभागों को सबको सेंट्रलाइज करें। आपको यूरोलॉजी का एक यूनिट इधर है, दूसरा यूनिट उधर है, तीसरा यूनिट उधर है और हाँ ऑफकोर्स ऑर्थोपेडिक में डॉक्टर पीके सेठी ने एक पूरा का पूरा यूनिट बना दिया था। ऑर्थोपेडिक का अलग है लेकिन बाकी के सारे एफिजॉर्ड वे में। तो उसको हमें सिस्टम से करना पड़ेगा। जो कैंसर यूनिट है आपकी, जो आपने बना रखा है यहाँ पे हमारे, मैं समझता हूँ सोनी हॉस्पिटल के कहीं है और वहाँ पे ऑलरेडी भवन बन चुका है कैंसर का, तो उसके अंदर। और कैंसर के बारे में सभापति में मैं कहना चाहूँगा, कैंसर में जब पेशेंट पहुंचता डॉक्टर के पास इट इज ऑलरेडी टू लेट। ये सब माननीय मंत्री महोदय, कैंसर की इनिशियल स्टेज डायग्नोसिस, शुरू का डायग्नोसिस एसएमएस में संभव नहीं है। महिलाएं शर्म के मारे बताती नहीं, गायनी प्रॉब्लम्स है, हमारे सर्विक्स कैंसर बहुत कॉमन है, नैपकिंस वगैरह सारे बट रहे हैं लेकिन सर्विक्स कैंसर बहुत कॉमन है, शर्म से नहीं बताती। ब्रेस्ट में जरा सी गांठ हो गई, नहीं बताती शर्म के मारे। तो हमें इसकी शुरुआत हमारे सीएससी और जिला अस्पताल लेवल पे करना पड़े, जहां एटलीस्ट या इतनी ये माइनर चीज है कि आपके सब सेंटर की एएनएम जीएनएम है, दे कैन डिटेक्ट कोई ग्लैंड हो रहा है ब्रेस्ट के अंदर, सिविल जज आज के यहाँ साहब ये डर है, इस गांठ की जांच करा लीजिए। तो ये इस तरह के हैं कि महोदय कैंसर का इलाज जब आने के होता है डॉक्टर्स के हाथ में, तो डॉक्टरों को नीचा देखना पड़ता है कि दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ द कैंसर। तो इसलिए इनिशियल जो कैंसर की शुरुआत है उसकी जांच हमें हमारे जो हॉस्पिटल है सीएससी पीएससी वहाँ से महोदय, और इवन एडवाइजरी हो वहाँ इनकी जो आपने तो कोई 650 तो आपके ये हैं सीएससी हैं, करीब 2,500 पीएससी हैं आपके पास, आपके पास कोई 15,000 सब सेंटर्स हैं, आपका पूरा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है। उनको आप इसके बारे में अलग से ट्रेनिंग दिलानी हो दिलाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मृत्यु का कारण कैंसर होता है।
बच्चों के पीडियाट्रिक्स के बारे में बताना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, जेके लॉन हॉस्पिटल कंट्री का सबसे बड़ा बच्चों का हॉस्पिटल है। मेरे रिलेटिव हैं, मैं गया सीकर में, आप भी जानते होंगे, डॉक्टर हैं वहाँ पे, उनका लड़का मेंटली रिटार्डेड था। अभी मैं गया तो मिले नहीं, मैंने कहा बच्चा कहाँ गया, बोले डॉक्टर साहब मैंने उसको आश्रम में रख दिया, भगवान की पूजा करें। जिसके घर में कोई विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग बच्चा पैदा हो रहा है, उनकी जिंदगी गुजारना हेल हो जाती है, माओं की जिंदगी गुजारना हेल हो जाती है। बट इट कैन डायग्नोज बिफोर टाइम, समय के पहले इसका डायग्नोसिस हो सकता है। हमें जो सब हम सोनोग्राफी करते हैं उसमें डिटेक्ट हो जाता है, या तीन उसके पैरासेंटेसिस कर लेते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बच्चेदानी का पानी निकाल के जांच कर लेते हैं तो पता लग जाता है इसके अंदर ये बच्चा विकलांग होने की संभावना है। उसमें माननीय मंत्री महोदय थोड़ा रिलैक्सेशन करें, सारे के सारे भयभीत हो गए, सारे जो सोनोग्राफी चलाते हैं सारे के सारे, क्योंकि हर चीज़ में टारगेटिंग होता है कि ये मेल फीमेल रेशियो निकाल रहे हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि फीमेल रेशियो में झुंझुनू जिला नंबर वन रहा है राजस्थान के अंदर, 1000 में से 955 गर्ल्स पैदा हुई हैं इस बार। तो उसमें उतनी सी फैसिलिटी उनको देनी चाहिए कि वो उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड निकाल कर जाँच कर लें, और बच्चों की इमीजिएट डेथ होती है, डॉक्टरों के सिर पे चढ़ जाता है कि मर गया साहब बच्चा, तो डॉक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी द जेनेटिक प्रॉब्लम। मुझे पता है मेरे पिताजी ने आरजी कार मेडिकल कॉलेज से 1937 में MBBS किया था, SMS भी नहीं बना था, मेयो हॉस्पिटल था। वो जब SMS में आए तो मेरे ताऊ जी मैसूर हाईकोर्ट के जज थे, उन्होंने मिर्जा इस्माइल से कहा मेरा भाई डॉक्टर है, इसको कोई प्लॉट देना। मिर्जा इस्माइल काली टोपी डंडा रखते थे हाथ में, बोला कौन है? डॉक्टर छोकालाल। उनका सर मैं हूँ। बोला आपको ये सामने प्लॉट दे रहे हैं, कौन सा प्लॉट लेना है? वो अच्छा अक्के बक्के रह गए कि कौन प्लॉट दे रहा है, 3000 गज के हैं सर सामने वाले प्लॉट, तो आप जानते होंगे। उनका जो पसंद हो ले लो, 3000 रुपये थे तनख्वाह मिलती थी, पिताजी को 80 रुपये नहीं खरीद सके। और जब ताऊ जी दोबारा आए, अरे यहाँ क्या कर रहा है छोकालाल, यहाँ तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, तू जा खेतड़ी कर, सर्व कर। पिताजी ने छोड़ा, कर्नल नेल्सन उनके हेड थे, उनका छोकालाल व्हाई यू आर लिविंग जयपुर एंड गोइंग टू द सेंट ड्यून्स, साहब बड़े भाई साहब ने मुझे पढ़ाया लिखाया है, मुझे जाना पड़ेगा। मेरे पिताजी चले गए खेतड़ी। माननीय सभापति महोदय, ये आज के डॉक्टर्स के पास तो सीटी स्कैन MRI सब कुछ है, उस वक्त कुछ नहीं होता था। एक ऊंट पे तो पिताजी चलते थे, एक पे स्टरलाइजर बंधा रहता था, और ये राजेंद्र गुड़ा जी के गांव में जाया करते थे पिताजी, वहाँ सर्जर 0.5 ग्राम हीमोग्लोबिन, जिसमें आज डॉक्टर हाथ नहीं लगाए पेशेंट को, उनकी सिजरिन किया करते उसी उसके घर में ही। कितनी विषम परिस्थितियां थी, और आज सब कुछ फैसिलिटी है हमारे पास। आज डॉक्टर पे चढ़ जाते हैं, कोई मर गया तो RS निगेटिव, महिला अगर RS निगेटिव है तो उसका बच्चा मर जाएगा उतने ही तीसरे दिन। मैंने प्रश्न उठाया था माननीय मुख्यमंत्री जी के समय में, उन्होंने ऑलरेडी उसका इंजेक्शन देना शुरू कर दिया कि डिलीवरी के एक दिन पहले तुरंत ही RS निगेटिव का दिया जाए, वरना मैंने देखे एक महिला के 6-6 बच्चे मर गए थे। माननीय सभापति महोदय, हमारे डायबिटीज इज द फर्स्ट काज ऑफ ब्लाइंडनेस। गांव के अंदर डायबिटीज वो समझते हैं मीठा खा लो, मैं तो बहुत समझाता हूँ अरे भैया मत खाया करो, मैं भी कई बार गलती करता हूँ, लेकिन ये दिस इज़ वेरी डेंजरस। किडनी गया आपका, पांव एम्पुटेशन हो जाएगा, ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, ब्लाइंड हो जाओ, तो बहुत सीरियस अफेयर है कि आँखों के लिए हमको डायबिटीज के लिए सबको चेतना करनी पड़ेगी। स्कूल टाइम्स नहीं, डायबिटीज सबसे कॉमन बच्चों में हो रही है, न्यू बॉर्न में हो रही है, बच्चों में हो रही है। साइकेट्री मनोचिकित्सालय, ये महोदय सारा का सारा कोरोना के आने के बाद बड़ा खतरा पैदा हो गया।
25% of the population of the world is suffering from psychiatric problems. तो इस वजह से सभापति महोदय मेरा ये कहना है कि इवन इसके बाद में कोरोना के बाद में साइकेट्री प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बच्चों में एजुकेशन का पढ़ाई का प्रेशर इतना है तो उनका काउंसलिंग समय समय पे होता रहे स्कूल में, मैं ये कहना चाहूँगा आपको। मेडिकल एजुकेशन में महोदय आज राजस्थान बहुत लीडिंग, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब को कि प्रधानमंत्री जी ने किया, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री हैं देश के, करना चाहिए उनको कि आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की उन्होंने जो घोषणा करी है इम्प्लीमेंटेशन हो रहा। हम पढ़ते थे जब सभापति महोदय, 3 मेडिकल कॉलेज थे, SMS आपका बीकानेर और उदयपुर, और आज 7-8 मेडिकल कॉलेज हैं और राजमहल से और जुड़ रहे हैं, और इस तरह से हर जिले में स्टार्ट हो रहा है, सीकर में बन चुका है करीब करीब, और हर जिले में स्टार्ट हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन हमको ये भी सोचना पड़ेगा एक साथ अगर बम की तरह डॉक्टरों को फैला देंगे तो डॉक्टरों की हालत इंजीनियरों जैसी हो जाएगी। वी वॉन्ट क्वालिटी एजुकेशन, हमें डॉक्टर तो बने लेकिन क्वालिटी डॉक्टर्स मिलने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, सभापति महोदय, कि उन्होंने डॉक्टर्स के प्रमोशन में मैं मौजूद था आपके घर पे रात को निर्णय हुआ था कि डॉक्टरों का प्रमोशन किया जाए, आपको ध्यान होगा सभापति महोदय, आप और मैं बैठे थे उस समय, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, चीफ सेक्रेटरी बैठे थे वहीं पे, जब मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर्स का टाइम बाउंड प्रमोशन होना चाहिए तो चीफ सेक्रेटरी साहब मैथ्यू साहब अब नहीं रिटायर होकर चले गए, उनका वाई टू डॉक्टर्स वाई नॉट टू इंजीनियर्स, मैं सुनता रहा, मेरे बगल में बैठे थे आपके सभापति महोदय, आप तो सामने बिराजे हुए थे, मैंने कहा वेल मैथ्यू साहब माई फादर वॉज ए ग्रेट सफरर, ही पास MBBS फ्रॉम RG Carr कैलकटा, जो कि मैग्रेकर और टॉप डॉक्टर्स थे उनके, डॉक्टर मैग्रेकर के दास जिनके नाम से किताबें चलती, वो तो टीचर थे उनके, ही ज्वाइंड एज ए मेडिकल ऑफिसर इन 1937, ही रिटायर्ड एज ए मेडिकल ऑफिसर इन 1971, प्रमोशन का कोई नाम नहीं, दंड था कि खेतड़ी में जाके डॉक्टरी कर रहे हो उसका दंड दिया जाता है तुमको, जबकि कर्नल नेल्सन का छोगालाल जयपुर में रुको PG यहाँ खुल रहा है तुम प्रिंसिपल बनोगे, लेकिन वो चले गए। मैं जाने लगा विदेश, मैं जब MBBS करके आया था तो मैं चुपचाप, मेरी छोटी बहन रहती है, मैंने कहा पैसे नहीं है, तो उसने टिकट भेज दिया, उसने मेरा मेलबर्न यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया। मैं जाने लगा तो पिताजी ने कहा क्या कर रहा, मैं मदर से बात कर रहा था, मैंने कहा भाई जाओ पर याद रखना है वहाँ तेरे जैसे हजारों डॉक्टर होंगे, तू भीड़ में गुम हो जाएगा, और अगर खेतड़ी नीम का थाना रहेगा तो छोगालाल का बेटा कहलाएगा। आज पिताजी नहीं है लेकिन मुझे खुशी है कि मैं एक साधारण डॉक्टर से राजस्थान में 5-6 बार जीता, 10 साल वजीर रहा राजस्थान की सरकार में, लेट फादर का। राजेंद्र जी मैं नाम ले रहा हूँ आपका सम्मान के साथ, आज डॉक्टर डरते हैं आखिरी डाइंग पेशेंट के लिए लड़ाई लड़ते हुए, वो जानते नहीं बचेगा तो सारे घर वाले चढ़ जाएंगे। मेरे पिताजी अंतिम समय तक एक हमारे मेनिंजाइटिस का पेशेंट आया, उसका माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे रहे थे, उसकी सांस बंद हो गई, छोटा सा बच्चा था, माउथ टू माउथ, वो बच्चा बच गया, लेकिन मेरे पिताजी मेनिंजाइटिस से बच नहीं सके। वो बच्चा आज भी 25 साल का है, लेकिन मेरे फादर को उससे इन्फेक्शन हुआ, डेवलप्ड मेनिंजाइटिस ऑफ द ब्रेन, SMS हॉस्पिटल के ICU में देहांत हुआ उनका। इतनी लड़ाई कौन लड़ता है? SMS को जरूरत है कि आज तो यहाँ पे पुलिस का एक चौकी होनी चाहिए, और ये बनवाइए आप, धन्यवाद आप, क्योंकि डॉक्टर के अगर फैसिलिटी नहीं होगी अंतिम सबके डॉक्टर जी के करा, वो तो लिख भेज दियो जयपुर रेफर कर दिया, अरे भैया जयपुर तो रेफर नहीं करेगा, तुम जान ले लोगे इसकी। धन्यवाद हो सुप्रीम कोर्ट को कि एटलीस्ट डॉक्टर्स को उन्होंने डिफेंड किया है कि डायरेक्टली उन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। 1-2% लोग गलत हो सकते हैं लेकिन कोई किसी को मारना नहीं चाहता।
मुफ्त जांच मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत करी माननीय सभापति महोदय। अंत में मैं बताना चाहूंगा, भगवान गरीबी किसी को नहीं थी। मैंने मेरे चिकित्सक के रूप में पिताजी से शर्त हुई थी कि तू नेतागिरी तो करेगा लेकिन तू 12 बजे तक हॉस्पिटल में बैठेगा, उसके बाद तू तेरे संभाल लेना कॉन्स्टिट्यूंसी वालों को। मैंने सभापति महोदय मेरे अपने, मैंने 68 में MBBS किया था, 64 में ज्वाइन किया था SMS मेडिकल कॉलेज में। मैंने बहुत से नज़ारे देखे हैं। मैंने बुढ़े बाप के कंधे पे जवान बेटी की लाश को जाते देखा है। मैंने माओं की गोद में तड़फ तड़फ कर बच्चों को दम तोड़ते देखा है। सभापति महोदय एक बार तो मैं सिर गया, एक नववधू आई थी, मांग में सिंदूर था, गोद में एक बीमार था कि साहब डॉक्टर साहब आने देखो आंख बुखार ही, शादी को 3 दिन हुए थे। मैंने जब नब्ज देखी तो नब्ज गायब थी। मैंने कहा बेटा आई एम सॉरी आई कांट डू एनीथिंग। और जब मैं पूछा था, पिताजी पूछते थे चौधरी इलाज क्यों नहीं कराते, ठाकुर साहब इलाज क्यों नहीं कराते, तो उनकी आंख में आंसू आते, डॉक्टर जी पीसा को नहीं। चौधरी का जवान बेटा, ठाकुर साहब का जवान बेटा इसलिए मर गया कि पैसा नहीं था इलाज का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत करी मुफ्त दवा योजना। पांच लाख तक का बीमा। सभापति महोदय मुझे पता है, मेरे फ्रेंड डॉक्टर सेठी थे, उनकी वाइफ के किडनी फेलियर हो गए, हम लोगों ने चंदा कर कर के दिया, पैसा कर कर के दिया, पैसा नहीं मिलता था, वो तो डॉक्टर था मेरा साथी था। आज भी ये कॉलेज के लड़के आते हैं, छोटे भाई को दिखाने आते हैं क्लिनिक के ऊपर, फिर जेब में एक रेजगारी निकालने लगते हैं। मैंने कहा ऐसा मत करो भैया, इनके लिए सोचना पड़ेगा कहाँ से लाएं पैसे, इनके माँ बाप भी मुश्किल से दे पाते हैं। ये कॉलेज में पढ़ने, मुझे पता है महाराज कॉलेज में हम लोग, हमारा एक साथी बीमार हो गया, 5 रुपये आज तक मुझे याद है मुझे देने पड़े, 5 रुपये हर्षवर्धन गुप्ता ने दिए, 5 रुपये सुमेर सिंह राठौड़ ने दिए, ऐसे करके 15 रुपये की दवा लेके आए बाजार से। ये कॉलेज के बच्चे कहाँ से पैसे लाएंगे, सीनियर सिटीजन नहीं है ये सब सोचना पड़ेगा। वाइडर स्केल पे मंत्री महोदय, स्टूडेंट्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, आई डोंट नो। बहुत लंबी बात नहीं कहनी सभापति महोदय, ये भ्रमणशील इकाई ने बहुत बड़ा काम किया है हमारे ट्राइबल एरिया में। डॉक्टर SC मेहता ने चालू किया था भ्रमणशील इकाई का, और उसमें करीब 10,000 ऑपरेशन प्रतिवर्ष हो जाते हैं, जगह जगह उनके वो लगते हैं, कैंप्स वगैरह लगते हैं। स्टील जो किया था शुरुआत, ये राजस्थान, पूरे भारत में सिर्फ राजस्थान में भ्रमणशील इकाई है सभापति महोदय, और कहीं नहीं है भ्रमणशील इकाई। माननीय सभापति महोदय बहुत कुछ है कहने को, मैं डॉक्टर हूँ बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं जो मेरी तरफ से मैंने लेक्यूनाज देखे, जो डेवलपमेंट होने चाहिए थे विभिन्न विभागों में उसमें कहा, और मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम आप सारा कर रहे हैं। लास्ट में मेरे विधानसभा क्षेत्र की एक पीड़ा बता देता हूँ, हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, वो गट्टे में जाने के कारण उनका एक रेफरल हॉस्पिटल था वो बंद कर दिया। वहाँ गोठड़ा पंचायत है जहाँ 20,000 तो 13,000 वोटर है, 20-25,000 आबादी है, एक भी हॉस्पिटल नहीं है। मुझे थोड़ा जल्दी बोलना चाहिए था मुख्यमंत्री जी के पास, मैं गया बोले डॉक्टर साहब थोड़ा लेट हो गया, यही बोल देता घोषणा कर देता। तो मंत्री महोदय मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गोठड़ा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें हिंदुस्तान का एशिया का सबसे बड़ा कॉपर प्रोजेक्ट का कारखाना, वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, आप एक PHC देने की कृपा करें। आप